एक काम करता हूं, मैं आपको एक गर्मियों के लिए, नहीं नहीं बारिश के मौसम वाली एक चीज पिलाता हूं, गर्मा गर्म, और वो है चॉकलेट वाली कॉफी। जी हाँ, चॉकलेट वाली कॉफी कैसे, बाजार में कितनी महंगी मिलती है, घर में कैसे बन सकती है, आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि चॉकलेट चाहिए, तो ये मेरे पास चॉकलेट है। इस चॉकलेट को डाल दिया इस ग्लास के अंदर जिसमें हमने इसे सर्व करना है, ये देखिए, और इसे मेल्ट करना है हमें। तो मैं काम करता हूँ, जरा सा इसके अंदर डालता हूँ ये दूध, थोड़ा सा दूध और कुछ दूध ये भी, इसे इसके अंदर, और इसे थोड़ा सा मेल्ट करना है हमें। और जो चॉकलेट है वो तो हो गई, अब कॉफ़ी बनाने के लिए, अरे बहुत आसान सी, इसमें से मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ। वाह, क्या खुशबू आ रही है। और ये मेरे पास जो चॉकलेट हमने मेल्ट की है ये तैयार, ये जो कॉफ़ी है ये भी तैयार, ये जो है फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी इस चॉकलेट के साथ, और ये कॉफ़ी और चॉकलेट दोनों को जरा मैं मिक्स कर लेता हूँ। लेकिन अब ये तैयार नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमने डालना है दूध, ये गर्मा गर्म दूध, और ये दूध इसमें, चॉकलेट, बढ़िया सी कॉफ़ी, इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। ऐसे भी पी सकते हैं, नहीं तो चाहें तो ऊपर से इसके डालें ये फ्रेश क्रीम, थोड़ी सी चॉकलेट, बस मज़ा लें इस चॉकलेट वाली कॉफी का। खैर अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रीकैप, मैं तैयार करूंगा ये बढ़िया सा बारिश वाला हिंदुस्तानी रिसोट्टो सब्जियों के साथ। चॉकलेट कॉफी के लिए हमें चाहिए 4 कप दूध, 200 ग्राम चॉकलेट ग्रेट की हुई, 2 बड़े चम्मच कॉफी डिकॉक्शन और 1/2 कप फिटी हुई क्रीम। इसे बनाने के लिए 1 सर्विंग ग्लास में ग्रेट की हुई चॉकलेट और थोड़ा सा दूध डालकर इसे माइक्रोवेव में करीब 30 सेकंड तक गर्म करें, या तब तक गर्म करें जब तक चॉकलेट पिघल ना जाए। अब इसमें डालें कॉफी डिकॉक्शन और इसमें दूध डालकर भरें और अच्छी तरह से मिला लें। सर्व करने से पहले ऊपर फिटी हुई क्रीम से डिजाइन बनाकर इसके ऊपर ग्रेटेड चॉकलेट डालें, इसे सजाएं और तुरंत सर्व करें।